दोस्तों हम हमेशा चाहते हैं हमारे देश में कुछ ऐसा शहर बने जो ना सिर्फ एक मॉडर्न और स्मार्ट हो बल्कि इको फ्रेंडली भी हो, जहाँ पे हम अच्छी फैसिलिटीज के साथ शांति के साथ शहर में बस सके। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर शहर आपको ये सारी फैसिलिटीज उपलब्ध कराता है। हम हमेशा बात करते हैं ढोलेरा स्मार्ट सिटी, गिफ्ट सिटी, अमरावती जैसे शहर के बारे में जो शहर अभी तक बसा नहीं है, लेकिन नया रायपुर एक प्लांट फुल्ली डेवलप्ड स्मार्ट ग्रीन एंड क्लीन इको फ्रेंडली इंडियन सिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नया रायपुर शहर इतने सारे फैसिलिटीज के साथ डेवलप्ड होने के बाद भी इस शहर को ठीक तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। नया रायपुर शहर में इतना खासियत होने के बाद भी इंडिया के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। इंडियन स्टेट छत्तीसगढ़ इंडिया के पिछला हुआ राज्य में गिने जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का नया रायपुर शहर इंडिया के कोई भी शहर को जोर का टक्कर दे सकता है। छत्तीसगढ़ जैसे पिछला हुआ राज्य में नया रायपुर जैसे स्मार्ट डेवलप्ड ग्रीन क्लीन इको फ्रेंडली शहर होना हमारे सोच के ऊपर जोर का झटका है। यकीन मानिए दोस्तों, मैं जब इस वीडियो को बनाने के लिए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मुझे भी शॉक्ड लगा, आखिर इतने डेवलप्ड शहर होने के बाद भी क्यों नया रायपुर को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। आइए एक्सप्लोर करते हैं नया रायपुर शहर को, जानते हैं नया रायपुर शहर और इसकी डेवलपमेंट के बारे में जो हमारी इंडिया के शान को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। नया रायपुर जो अटल नगर नाम से भी परिचित है, नया रायपुर एक प्लांट फुल्ली डेवलप्ड क्लीन एंड ग्रीन सिटी है। नया रायपुर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी है जो इंडियन स्टेट छत्तीसगढ़ में बसा है। साल 2000 में छत्तीसगढ़ एक नया राज्य के तौर पर सामने आया, तब से आज तक छत्तीसगढ़ अपने विकास की ओर बढ़ता चला गया, जिसका उदाहरण है नया रायपुर शहर। नया रायपुर फिलहाल छत्तीसगढ़ के राजधानी शहर रायपुर से 17 किलोमीटर दूर पर बसा है। नया रायपुर शहर 8000 हेक्टेयर एरिया के ऊपर बना हुआ है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, नवी मुंबई, गांधीनगर और दुर्गापुर के बाद नया रायपुर इंडिया का सीमेंट प्लांट कैपिटल सिटी है। रायपुर के बदले में बाद में नया रायपुर को छत्तीसगढ़ का राजधानी शहर बनाया जाएगा और उसी मुताबिक पूरा शहर को खूबसूरती के साथ डेवलप किया जा रहा है। नया रायपुर के करीब आधा जमीन को पब्लिक फैसिलिटीज के लिए यूज किया जाएगा। टोटल लैंड के 23% गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज किया गया है। 30% लैंड रेजिडेंशियल एंड इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। 2031 तक जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसे नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं, मास्टर प्लान अपग्रेड के बाद भविष्य में ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नया रायपुर में शामिल होगा। नया रायपुर शहर को एक ग्रीन सिटी बनाने के ऊपर जोर दिया गया है। शहर के हर तरफ ग्रीनरी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, इसके चलते शहर के हर तरफ पेड़ लगाया गया है, ग्रीन पार्क बनाया गया है। यहाँ पे करीब 5 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। शहर के पानी को संरक्षण करके उसी पानी को रिफाइंड करके फिर से पानी को यूज किया जाएगा। यहाँ पे पेड़ पौधों की संरक्षण के लिए भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। शहर में नेचुरल एनर्जी रिसोर्स को यूज करके बाद में पावर जनरेट किया जाएगा, जिसे शहर के बिजली के काम पे लगाया जाएगा बाद में। नया रायपुर में सारे कनेक्टिविटी, चाहे वो इलेक्ट्रिक वायर्स हो, गैस पाइपलाइन हो, वाटर पाइपलाइन हो, सारे के सारे केबल्स को अंडरग्राउंड से ले गया गया है। इससे शहर में चारों तरफ केबल्स की जो जाल तैयार होता है वो नहीं होगा, और ये काफी अच्छा है शहर को क्लीन रखने के लिए। नया रायपुर शहर 237 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। यहाँ पे 55 वाटर बॉडीज है और शहर की 27% एरिया ग्रीनरी है, जैसे मैंने पहले ही कहा। शहर में एक मैन मेड जंगल भी है जो कि एशिया का लार्जेस्ट मैन मेड जंगल है, जहाँ पे ढेर सारे पेड़ और माइक्रो फॉरेस्ट शामिल है, और ये माइक्रो फॉरेस्ट 29 एकड़ में फैला हुआ है। शहर में 100 से भी ज्यादा गवर्नमेंट बिल्डिंग बना हुआ है, कई सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी इसमें शामिल है। शहर में एजुकेशनल हब भी बना हुआ है, जिसमें कई सारे मेजर कॉलेज, IIT शामिल है। शहर में IIM, IIT, IIT, HNLU जैसे इंस्टीट्यूट शामिल है एंड इज ऑल्सो होम टू इंडिया फास्ट 24/7 ऑक्सी रीडिंग जोन नालंदा परिसर, जहाँ पे सारे यूथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी कर सकता है। शहर के चारों तरफ CCTV लगा हुआ है और शहर की जो सड़क है वो काफी वाइड और खूबसूरती के साथ कवर किया हुआ है। शहर में ट्रांसपोर्टेशन भी काफी अच्छा है। शहर में एयरपोर्ट भी शामिल है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। नेशनल हाईवे 53 एंड 30 से भी जुड़ा हुआ है शहर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। शहर में इतने सारे प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग के लिए यूनिफाइड कमांड सेंटर बनाया गया है, जो कि 2400 घंटे सर्विलेंस करता है।
शहर में बिजनेस आप एज वेल एज स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल एंड शहर की जो रोड्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से खूबसूरती के साथ मेंटेन किया गया है। दोस्तों आई लव दिस सिटी, मुझे जब भी यहाँ पे जाने का मौका मिलेगा मैं जरूर जाऊंगा। नया रायपुर एक क्लीन ग्रीन स्मार्ट ब्यूटीफुल शहर है। शहर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। वेल आपका क्या सोच है शहर के बारे में कमेंट पे जरूर बताएं। नया रायपुर शहर पूरी तरीके से बन जाने पर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि हमारे देश इंडिया के लिए भी तरक्की का मिसाल तैयार करेगा। ये शहर एक कॉमर्शियल हब एक एजुकेशनल हब के तौर पर उभर कर सामने आएगा। शहर में कई सारे नेशनल स्टेडियम तैयार हो रहा है, इससे यूथ को स्पोर्ट्स में और भागीदारी करने के लिए मौका मिलेगा। नया रायपुर को अभी तक कई सारे सिटी अवार्ड्स मिल चुका है। नया रायपुर इज द वर्ल्ड्स फास्ट इंटीग्रेटेड सिटी। यहाँ का मैन मेड जंगल सफारी नंदन वन एशिया का लार्जेस्ट मैन मेड जंगल सफारी है। ये शहर क्लीन है, स्मार्ट है, ग्रीनरी है, जंगल सफारी है, आईटी बिजनेस हब है, एजुकेशनल हब है, इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप्ड है और बाकी सारे सुविधा मौजूद है। एक शहर को बसाने के लिए और क्या चाहिए। नया रायपुर शहर अपने आप में तरक्की का एक मिसाल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।